मुरादाबाद के बेसिक शिक्षा विभाग ने अपने सभी कर्मचारी और शिक्षकों के लिए एक पहचान पत्र बनवाया है, जिसमें सभी बातों को अंकित कराया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार का ये कहना है कि मुरादाबाद के जितने भी शिक्षक और कर्मचारी हैं, उनके पहचान पत्र बनवा दिए गए हैं, जिनकी संख्या 7000 से अधिक बताई जा रही है। बीएसए योगेंद्र कुमार का ये कहना है कि इस पहचान पत्र बनने से बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी और शिक्षकों की अलग पहचान होगी। मुरादाबाद का बेसिक शिक्षा विभाग ने अपने सभी शिक्षक और कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाया है और सभी को वितरित भी किए जा रहे हैं। मुरादाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में जितने भी विभाग हैं, उसमें सभी के पहचान पत्र हैं, जिससे ये पता लग सकता है कि ये व्यक्ति किस विभाग में कार्यरत है। ऐसे में शिक्षा विभाग का कोई पहचान पत्र नहीं था, जिसको ध्यान में रखते हुए जनपद मुरादाबाद में 7000 से अधिक शिक्षक कर्मचारी के पहचान पत्र बनवाए गए हैं, जिसमें सभी जानकारी उस पहचान पत्र में उपलब्ध करा दी गई है। इन सभी पहचान पत्र को शिक्षक और कर्मचारियों को वितरित किया जा रहा है। भविष्य में जरूरत पड़ने पर और भी ये पहचान पत्र बनवाए जाएंगे, जिससे हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक और कर्मचारियों की पहचान हो सके। साथ ही उनका ये भी कहना था कि आने वाले समय में इससे काफी लाभ भी विभाग को मिलेगा। जो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत सम्मानित शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं और कस्तूरबा का स्टाफ है और संविदा पर कार्यरत जो भी हमारे कर्मचारी हैं, कार्यालय का स्टाफ है, सबके लिए विभाग द्वारा परिचय पत्र बनवाया गया है। किस उद्देश्य को लेकर बनवाया गया है सर? जी, पहले हमारे यहाँ परिचय पत्र नहीं था, हर जगह परिचय पत्र की जरूरत होती है, तो उसी के लिए अब गर्व के साथ हमारे बेसिक शिक्षा परिवार के लोग कह सकेंगे कि हम बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। कितने बनाए गए हैं मुरादाबाद? ये हमारे यहाँ अभी 7153 बनाए। इस पहचान पत्र में किन किन बातों को अंकित कराने का प्रयास किया गया है? इसमें पूरा शिक्षक का, अनुदेशक का, शिक्षा मित्र और कर्मचारी का संपूर्ण विवरण अंकित है, जिससे पता लग सके कि वो हमारे यहाँ कार्यरत है और किस विद्यालय में कार्यरत है या किस कार्यालय में कार्यरत है। भविष्य में जैसे और लोगों की बनाने की जरूरत पड़ी तो वो कार्य किया जाएगा? जी हाँ, हमारे यहाँ जैसे ही बेसिक शिक्षा परिवार में बढ़ता जाएगा, वैसे ही हम परिचय पत्र बनाते जाएंगे। क्या मानते हैं इससे आने वाले भविष्य में क्या फायदा पहुँचेगा? जी निश्चित रूप से फायदा होगा, परिचय पत्र की जरूरत तो हर जगह होती है। कम से कम गर्व से ये तो कह सकेंगे हम बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। तो अब इनका वितरण कैसे कैसे करा रहे हैं? हम इनको सब BRC पे भेज देंगे आज, और वहाँ से सारे शिक्षकों को मिल जाएंगे।